इतना मतलब वो करता हूँ। अरे भाई साहब, ओ भाई क्या बॉबल हुआ है। ऐसे हो गई मेरी। क्यों ऐसे? अच्छा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर, दिस इज राम योर फ्रेंड। और सामने आ गई हैं दो बहुत ही औसम गाड़ियां, एक है आपकी नेकेड सेगमेंट की स्ट्रीट फाइटर बजाज चिनिडी लॉन्च पल्सर N250, और बगल में आपकी खड़ी है फुल फेयरिंग RC200 BS6 मॉडल। तो भाई बहुत ही औसम गाड़ियां हैं दोनों। अगर किसी को एडवेंचर मतलब किसी को ट्रैक मशीन पसंद है तो उसके लिए RC, और किसी को अगर सिटी के अंदर जिम जैम जूम करना पसंद है तो उसके लिए आपकी नेकेड गाड़ियां बेस्ट होती हैं। और दोनों बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं, पर RC आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, आपकी 2 लाख से ऊपर इसका प्राइस जाता है। N250 कहाँ आपकी 170 के अंदर आ जाती है, 165 166 के अंदर आ जाती है। बजाज ने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी बनाई और वो हमेशा से बजाज करता आ रहा है। तो हम इनका करने वाले हैं ड्रैग रेस। मेरे साथ जुड़ गए मिस्टर KSC, इनका बहुत ही ऑसम चैनल है, और KSC भाई चलाने वाले हैं सबसे पहले RC, मैं चलाऊंगा N250। तो स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस। हेलो, ऑन है मेरा, देखो। हाँ ऑन है। चलिए, और मैं बनाने वाला हूँ N250 और RC 200। और ये देखो भाई N250 कितनी ज्यादा पिकअप है भाई RC वाले। RC की पिकअप तो यार हमेशा से खराब रही है भाई। पावर है लॉन्ग रूट में, हो सकता है वो थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिल जाए और थोड़ा सा वो आगे निकल जाए, बस शॉर्ट में तो भाई RC वालों का कोई मतलब वही नहीं है यार। बहुत जल्दी लिमिटर आता है RC का, लेकिन एरोडायनामिक का फायदा मिलेगा यहाँ पे। और ये मैं निकला, देखो मैं कितनी ज़्यादा निकल गया भाई, कितनी जल्दी मैं 132 से पहुंच गया। पर अब देखो ये RC निकली है BS6। एरोडायनामिक का फायदा, अरे लिमिटर। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि RC को लॉन्ग रेस में फायदा मिलता है, और कोई भी आपकी नेकेड सेगमेंट की गाड़ी रहो उसको लॉन्ग रेस में नुकसान मिलता है। अब देखो RC वाले आगे जाते जा रहे हैं, लिमिटर आ रहा है, लिमिटर को रोक के रखा है। अब मैं थोड़ा सा मतलब वो करता हूँ। अरे भाई साहब, ओ भाई क्या बॉबल हुआ है। अरे क्या वॉबल हुआ है भाई, क्या वॉबल हुआ है। जीत गया मैं। ये गाड़ी तेज चलाने के लिए नहीं बनी है, बहुत खतरनाक वॉबल हुई है भाई गाड़ी। भाई ऐसे हो गई मेरी। क्यों ऐसे? अच्छा भाई, इतनी तगड़ी वॉबल हुई ना, मेरी सांस गले में आ गई। तो भैया वॉबल और RC मतलब लगभग पावर है RC। हाँ, ये गाड़ी अगर वॉबल ना होती ना, इसको पीछे कर देती मैं धीरे धीरे पास आ रहा था, जैसे ही पास आ वो ऐसे ऐसे ही मैं सीधा हो गया। करते देखते कुछ होता है कि नहीं, देखना भाई वॉबल होगी ना जल्दी संभलेगी नहीं। ये तो है, लेट्स ट्राई करते। तो आप भाई चेंज कर चुके हैं ना, लंबे हो ना, हाँ वॉबल हो रही है, वॉबल वॉबल हो रही है गाड़ी। और ये देखो भाई साहब, चलाने वाला हो तो पिकअप किसी भी गाड़ी का अच्छा हो सकता है। और देखो मैंने RC को टो तो रखा, बट अब ये आपकी RC पीछे होने लग गई है। और ये मैं निकला, N250 ने बोकाल मार दिया, KTM RC की बैंड बजा दी। जैसा
जैसा कि मैंने बताया कि एंड हाइटो जो है वो बहुत ही तगड़ी गाड़ी है और भाई बहुत ही, ये पांचवे गियर पे और ये अब मैं छठे गियर पे आ गया हूँ। अब मैं एक बार भाई आगे निकल जा, अब मैं एंड हाइटो को पीछे करने की कोशिश करता हूँ। बार इसका लिमिटर आ रहा है, इसका लिमिटर आ रहा है और भाई आरसी का बहुत ही गंदा लिमिटर आ रहा है, 137-138 पे चल रहा है और एंड हाई तो आगे निकलती जा रही है। बट हो सकता है मैं इसको पीछे कर दूं। बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब लहरा रही है। ये इशू मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, ये इशू है क्यों। थोड़ी सी और रेस अगर चलेगी तो मैं ढाईजों को पिछाड़ सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता क्या वो पीछे होगी क्योंकि आरसी का लिमिटर आने लग गया है। तो ये है आपकी रेस। तो भाई कमाल की गाड़ी है यार, एंड ढाईजों कमाल की गाड़ी है, मजा आ गई। मेरे ख्याल से मैं पेंट लाइन के ऊपर चला गया था इसलिए वो वॉबल हुई थी। अब मैं तुमको बताता हूँ एक बार। हाँ मेरे ख्याल से ना ये जो पेंट वाली लाइन है इस पे चला गया था मैं। ये बाइक जब तुम चलाओगे ना हाँ, तो एक फील होगा हाँ, जैसे लग रहा है कि ये अपने आप ऐसे फिसल रही है हाँ, हो रहा है हाँ, 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 क्योंकि ये बहुत हल्की बाइक है हाँ, हल्की बाइक की वजह से हवा बहुत ज्यादा तेज है तो जब चल रही है ना तो होता नहीं फ्रिक्शन हाँ, तुमने सुना होगा जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है हाँ, हाँ, तो अपने आप ऐसे ग्लाइड करती है, ग्लाइड हो रही है, वो मतलब एक जगह से अपनी जगह छोड़ रही है, ग्रिप नहीं बन रही है जिसकी वजह से वॉबल हो रही है। यार मैं ऐसे चला रहा हूँ ना 45 में जैसे लग रहा है गाड़ी यूं हो रही है। मैंने कहा ये तो है भाई, आप देख लो इस गाड़ी को। एंड हाई सो यार मतलब इसकी हाइट, इसकी मतलब जो वेट है, इसकी जो वेट है, इसकी जो स्टैटिस्टिक है उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा पावर दे दी है बजाज ने कि ये गाड़ी भाई अगर आप विंड में चला रहे हो तो ईजिली वॉबल हो सकती है और बड़ी ख़तरनाक वॉबल होती है। इन केस अगर आप वॉबल कर एकदम से हो जाती है, अगर आप उतने ज़्यादा अच्छे बाइकर नहीं हो, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप डर जाओगे और गिर जाओगे बाइक से, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई बाइक वॉबल हो जाए तो उसको हैंडल करना। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस। और विनर की मैं बात करूँ तो भाई विनर देखा जाए तो एंड 250 रही है सेकेंड रेस में, क्योंकि वॉबल होने के बाद भी ये भाई आगे निकल गई और ये रेस, और इसका जो भाई लिमिटर आ रहा था उसकी वजह से पीछे रहता था। अगर बहुत लंबी रेस जाती तो ये इसको बीट कर सकती थी, बट भाई इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है इससे, और साथ में इसको एरोडायनामिक्स का एडवांटेज भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं विनर इसी को मानूंगा। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरा सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।